बीवी अगर राजौरी में फंसी है तो पति यहाँ है, और बच्चे अगर यहाँ हैं तो माँ उस साइड है लेकिन आ नहीं सकते और पैदल भी जा नहीं सकते क्योंकि कार से 6-7 घंटे का डिस्टेंस पैदल नहीं कवर किया जा सकता। इसी तरह से चिनाब वैली में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, जम्मू प्रोविंस में, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई कर्फ्यू है, कोई टेलीफोन नहीं है। मैं भी अपने भाई से बात करना चाहता था, लैंडलाइन पे नहीं हुआ, मोबाइल पे नहीं हुआ, कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं चल रहा। उधमपुर और कठुआ जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी है, वहाँ भी मुश्किल से 1 आदमी से मैं बात कर पाया और उसने बताया, हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पत्नी एक जगह जम्मू फंस गई है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, बच्चे कहीं स्कूल में फंस गए हैं, लेकिन कोई मोबाइल सर्विस और उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और कारगिल शटडाउन है, कल सुबह सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू है यूनियन टेरिटरी के खिलाफ। मैं कल से सदन में कई दफा कह रहा हूँ, सदन में भी हमारे साथियों ने भाजपा के गलत बताया कि लद्दाख की डिमांड यूनियन टेरिटरी की है। मैं मीडिया के लोगों को और एंकर्स को करेक्ट करना चाहता हूँ, लद्दाख कोई जगह नहीं, लद्दाख किसी जगह का नाम नहीं है, जैसे कश्मीर किसी जगह का नाम नहीं है। कश्मीर इज ए रीजन, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जैसे हिंदुस्तान कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में स्टेट है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, लेकिन कोई आप स्टेट नहीं है या जगह नहीं है जिसका हिंदुस्तान या भारत कोई जगह होगा। इसी तरह से कश्मीर कोई जगह नहीं है, कश्मीर इज ए रीजन। इसी तरह से लद्दाख कोई जगह नहीं है, लद्दाख इज ए रीजन। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है ले डिस्ट्रिक्ट विच इज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट विच इज मुस्लिम मेजॉरिटी। और मुस्लिम मेजॉरिटी ले वाले प्रो यूनियन टेरिटरी थे आज से नहीं 40 साल से, और कारगिल वाले उतने ही एंटी यूटी हैं जितने ले वाले। तो ये यहाँ बताया जाता है कि लद्दाख, तो लद्दाख ये मिसनॉमर है, ले कहिए, क्योंकि वहाँ 2 एजिटेशनें चल रही हैं कारगिल में, एक टेलीविजन के खिलाफ भी वो कहते हैं कि लद्दाख वाले, तो लद्दाख वाले तो हम भी हैं भाई, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए ले और कारगिल को कभी भी हमारे जो एंकर से गलती मत करिए, ले वाले प्रो यूटी थे इसलिए वहाँ का टेलीविजन दिखा रहा है, लेकिन कारगिल वाले एंटी यूटी है उसका कोई नहीं दिखा रहा, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए जम्मू से भी, क्योंकि जम्मू शायद आर्टिकल 370 के खिलाफ थे वो दिखाया जाता है, लेकिन जम्मू के 9 डिस्ट्रिक्ट जो आर्टिकल 370 के फेवर में है वहाँ नहीं दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के इस झांसे में मत आइए कि 2 जगह ले डिस्ट्रिक्ट में प्रो वो एंटी ले डिस्ट्रिक्ट वाले भी एंटी आर्टिकल 370 है, एंटी आर्टिकल 370 है, लेकिन प्रो यूटी है, लेकिन आर्टिकल 370 के वो भी खिलाफ है क्योंकि ले की जमीन चली जाएगी। और जम्मू में चाहे वो आर्टिकल 370 के फेवर में हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, लेकिन 370 के वो भी खिलाफ। तो इसलिए कभी भी सरकार की इस ब्रीफिंग का आप उसका शिकार मत होइए, जब वो जम्मू शहर के 4 आदमियों को नाचते दिखाते हैं या ले के 4 आदमियों को नाचते दिखाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जहाँ रिजेंटमेंट है आर्टिकल 370 के खिलाफ या स्टेट को बांटने के खिलाफ, वो 20 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे वो पेपर पे हो या टेलीविज़न पे है। मैं खाली आपको ये सतर्क करना चाहता हूँ। मैंने मीडिया का बताया कि आपको इसलिए तो सतर्क, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट बताएगी आप वो करिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आप सतर्क रहें। देखो
जिन्होंने कहा है कि देश की जनता सरकार के समर्थन में इस मुद्दे पर मानते हैं। देखें, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस में रहे। बहुत बहुत